यहाँ देखिए क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्स प्लस पांच बराबर जीरो मूलों की प्रकृति बताएं ठीक है थीके? मतलब मूलों की प्रकृति आपको बताना है कि कैसा होगा वास्तविक में भिन्न होगा कि वास्तविक में समान और ये कोई वास्तविक मूल नहीं है ऐसा ही मतलब चेक करना है ठीक है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको डी का मान निकालना पड़ेगा डी यानी विवेचक होता है और डी के लिए एक फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है बात समझ गए देखिए डी का मान अगर बड़ा आ रहा है जीरो से बड़ा आ रहा है तो वास्तविक एवं भिन्न होगा ठीक है डी का मान बराबर आ रहा है जीरो के बराबर आ मतलब डी का मान निकाल और जीरो आ गया तो वास्तविक का समान होगा और डी का मान जीरो से छोटा यानी माइनस में आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यही तीन आपको कंडीशन होता है ठीक है चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए लिखे हैं द्विघात समीकरण का मानक ग्रुपयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और ए बी सी क्या होती है वास्तविक संख्या होती है ठीक है ये मेरे भाई इसलिए लिखे हैं तो यहाँ पर ए और बी सी का मान यहाँ बचाइए तो इसको निकालने के लिए मतलब बिल्कुल आसान हो जाएगा यहां से. यहाँ से तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पांच ठीक है बराबर जीरो अब देखिए एक स्क्वायर में जिस संख्या से गुणा रहता है ए मान होता है यहाँ देखिए ए एक स्क्वायर है ना तो का मान होता है तो यहाँ पर संख्या से मतलब गुणा नहीं है किसी भी संख्या से नहीं रहा है तो समझते हैं कि मतलब एक से गुणा है क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये बराबर लिख फिर बी एक्स है तो यहाँ पर केवल एक्स है देखिए तो किसी संख्या से इसमें इसमें भी नहीं गुणा है तो यहाँ पर बी बराबर क्या लिखेंगे वन और सी के मान कितना हुआ देखिए सी के मान तुलना कीजिए सी के मान पांच हुआ तो सी बराबर हुआ आपका पांच ठीक है अब इस फॉर्मुला में रखेंगे डी मान निकालेंगे तो डी मान निकालेंगे देखिए बी का स्क्वायर तो यानी एक का स्क्वायर फार्मूला से माइनस और फोर अब अंक में देखिए ए सी का मान भरा है तो अंक में मल्टीप्लाई चिन्ह लगाते हैं तो मल्टीप्लाई चिन्ह का मान भरिए वन और सी का मान भरिए पांच ठीक है मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दिए तो यहाँ पर डी बराबर आपका हुआ ए का स्क्वायर वन ही होगा माइनस चार एकम चार और चार पच्चे बीस तो ये आपका बीस और एक में से जब बीस घटाएं कितना ice, तो कितना होगा माइनस उन्नीस ठीक है तो डी बराबर आपका हुआ कितना माइनस उन्नीस और मेरे भाई देखिए डी का मान माइनस में आ गया है तो डी का मान माइनस में यानी क्या जीरो से छोटा है ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कोई वास्तविक मूल नहीं ये, ये वाला आंसर सही होगा ठीक है कोई वास्तविक मूल नहीं यही लिख देंगे ये हुए धन्यवाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन को दबा लीजिए